हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ किसके, बी फार्म थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि किस सेमेस्टर का हो गया, थर्ड ईयर का है, तो यानी सिक्स्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, उसके हम एमसीक्यूज़ आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब AK2 ने, जैसे कि आप लोगों को पता है, पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, MCQ टाइप में क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ अब आप MCQs के क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए, जिससे कि वो AK2 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। सो आज का हमारा टॉपिक है पहले इम्यूनिटी। उसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या है। उसके लिए मैंने आई कार्ड पे आपको लिंक मेंशन किया है अपनी वीडियो का, इम्यूनिटी वीडियो का, उसको जाइए पहले उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही MCQ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या, उसके बाद ही आप MCQ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अभी हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स आर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमें किसी भी एंटीजन या फिर पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो डैट इज़ योर इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमें क्या बूस्ट करनी है, अपनी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी काम पर बूस्ट होती है, हमारे इम्यून सिस्टम से बूस्ट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आर बर्थ। हमारा जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी होती है, दैट इज़ योर इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि ये मदर टू फीटस पहले ही ट्रांसफर हो जाती है जब बेबी बॉर्न होने से पहले, और सबसे पहले जो बेबी के पास इम्यूनिटी होती है वो इननेट इम्यूनिटी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये आप सेलुलर बैरियर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड इन, दो तरीके की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, बी सेल्स एंड टी सेल्स, जिसमें बी सेल का काम क्या था, एंटीबॉडी बनाना, टी सेल का काम क्या था, एंटीजन को किल करना। तो ये दोनों सेल्स किस में इन्वॉल्व्ड होती हैं, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दोनों टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट। कॉमन डिसऑर्डर कॉज बाई अ पुअर इम्यून सिस्टम, जब आपका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, पुअरली वर्क कर रहा है, तो वो किस टाइप के डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस कॉज करेगा, एपिडेमिक डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। आउट ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैसिव इम्यूनिटी के लिए, तो वो कौन सा है आपका, दिस इम्यूनिटी कॉज रिएक्शंस, दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली, दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, यानी ऑल ऑफ दी अबव। सारी ये जो स्टेटमेंट्स है, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है अबाउट दी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अब जो भी आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के टर्म में, तो आप उसको किसकी स्टडी बताओगे, इम्यूनोलॉजी। ये सब आप किस में पढ़ते हो, इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो आपकी टी सेल्स थी। ठीक है, यानी नेचुर जिसमें आपकी एंटीजेंस टी सेल्स भी आपकी दो टाइप की थी, TH और TC। ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल वीडियो में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी टी सेल, तो आंसर क्या हो गया आपका, टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस। हमने बताया था सबसे पहले आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है आपके एंटीजन से। ठीक है, तो सबसे आपके जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो आपकी बॉडी होती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, आंसर इज सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि स्किन म्यूकस गैस्ट्रिक एसिड ये सारे क्या हैं, ये काम करते हैं एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर। ठीक है, लेकिन सलाइवरी एमाइलेज एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर काम नहीं करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा है डू नॉट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी आपको पता है बी सेल होती है। ठीक है, तो
ऑब्वियसली आंसर इज बी सेल्स। बी सेल्स का काम क्या था? एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, क्योंकि यही एंटीबॉडीज किससे लड़ेंगी? हमारी एंटीजन से लड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किन, बॉडी, हेयर, सीलिया, आई लैशेज, द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जैसे कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो जब स्किन आ गया, बॉडी, हेयर आ गया, तो आप समझ जाइए यानी ये फिजिकल है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी द फिजिकल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इननेट इम्यूनिटी आर। दो टाइप की इम्यूनिटी बताई थी, इननेट और एक्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इननेट के लिए, जो कि बाई बर्थ होती है, तो उसके लिए कौन सी सेल्स इन्वॉल्व्ड होती हैं आपकी? फेगोसाइट्स भी होती हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं, नेचुरकुलर सेल्स भी होती हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है जो सबसे पहले आपकी एक्ट करेगी एंटीजन से लड़ने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपका वो जो एंटीजन है वो बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह कौन सी इम्यूनिटी वर्क करती है, इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 14, इंटरफेरॉन्स आर। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं आपके? साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। बताया था इंटरफेरॉन्स होते हैं आपके साइटोकाइंस बैरियर। साइटोकाइंस का काम क्या होता है? एज अ मैसेंजर भी वर्क करते हैं, जो दूसरी सेल्स को जाके मैसेज पास करेंगे कि हमारी बॉडी में एक एंटीजन आ गया, तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज रिलीज हो जाएंगी जो उसको किल करने का काम करेंगी। ठीक है, एज अ मैसेंजर काम करता है, साइटोकाइन बैरियर इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फेगोसाइटोसिस? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। तो आपका आंसर है इसका डी, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स, ये आपके कैसे, ये फेगोसाइटोसिस नहीं होती, यानी आपकी जो सेल्स हैं वो बर्स्ट नहीं होती, क्योंकि कौन सी सेल्स आपकी बर्स्ट हो रही थी? मैक्रोफेजेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है मास्ट सेल्स भी आपकी एक तरीके से बर्स्ट हो जाते हैं, बट बेसोफिल्स आपकी इम्यून सिस्टम में फेगोसाइटोसिस फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोसाइट्स मूव फ्रॉम द सिस्टमैटिक सर्कुलरी सिस्टम इनटू जनरल कनेक्टिव टिश्यू वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू व्हाट फेगोसाइटिक सेल टाइप? तो आंसर इज द मैक्रोफेज। ठीक है, आंसर क्या है? ए, मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेलिजीनियस ल्यूकेमियाज आर कॉज बाय द कैंसरस प्रोडक्शन ऑफ इननेट, यानी नॉन स्पेसिफिक, हमने दो तरीके की बताई थी, एक स्पेसिफिक होती है, एक नॉन स्पेसिफिक होती है, इम्यून सिस्टम सेल्स इन विच टिश्यू इज सच प्रोडक्शन मोस्ट लाइकली टू अकर। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? बोन मैरो। आंसर क्या है? बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी डैट रिजल्ट इन द सर्कुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू आउट द ब्लड। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी टर्म आया है। ठीक है, जो किस टाइप की है? एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो किस सर्कुलेट करती है हमारी ब्लड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? एंटीबॉडीज ही तो बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी है यानी बी सेल, बी सेल यानी एंटीबॉडीज, तो आंसर क्या होगा? एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी और एंटीजन को किल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ बाय द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन इज अकम्प्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो इसका आंसर क्या है? एक्सपोजर ऑफ टी सेल्स टू द बॉडीज ओन एंटीजन्स इन द थाइमस। ठीक है, थाइमस में तो आपकी टी सेल्स होती है, और बी सेल्स किस में बन रही होती है? मैच्योर हो रही होती है, बोन मैरो में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टाइप्स, ए पी सीज यानी? ठीक है, तो इनमें से कौन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टाइप नहीं है? दैट इज योर नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, बाकी सारी आपकी ए पी सीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू और प्रोडक्ट ड्यू टू एंटीबॉडीज रिएक्टिंग विद इट एज एंटीजन इज कॉल्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑटो इम्यून डिजीजेज। जब आपकी बॉडी इतना ओवर रिएक्ट कर जाए कि
आपके खुद के बॉडी टिश्यूज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन बॉडी टिश्यूज, जब आपकी बॉडी के खुद के बॉडी टिश्यूज इफेक्ट होने लगे तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ इम्यूनिटी आपकी इफेक्ट हो रही है, इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन हैज इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, थायमोसिन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेगमेंट्स ऑफ एंटीजन डेट आर रिकॉग्नाइज बाई एंटीबॉडी आर एपिटोप्स, मेमोरी रीजन, नॉन डिटर्मिनेंट सेल्फ एंड एलिमिनेशन। जैसे कि बताया था एपिटोप्स, क्योंकि आपकी वाई शेप की एंटीबॉडी होती है, एंटीजन यहाँ आके आपका अटैच होता है, जो कि वेरिएबल रीजन है, तो ये रीजन को क्या बोलते हो आप, जहाँ पे एंटीजन अटैच होता है, डैट इज़ योर एपिटोप, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एमसीक्यूज इम्यूनिटी टॉपिक के कवर अप होते हैं सारे जितने हो सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बट दे आर 23 क्वेश्चंस। सो आप इसी तरीके से, मैं और भी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। दैट थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।